अब हम जो वो सैंपल है वो आने वाला है, और हम सैंपल पे लाइव जो है वो सीमन टेस्ट होते हुए सारे जो ये प्रोसीजर है ये करते हुए आपको एक वीडियो दिखाएंगे। है तो ये एक सीमन टेस्ट की रिपोर्ट और 300, 400, 500 रुपये में हो जाती है, पर अगर ये रिपोर्ट गलत है तो ये आदमी की लाइफ चेंज कर सकती है। अगर किसी को इस रिपोर्ट में मिल जाए कि उसका स्पर्म काउंट जीरो है तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, और किसी आदमी जो इलाज करा रहा है और फर्जी रिपोर्ट मिल जाए कि नॉर्मल है तो वो इलाज कराना बंद करके अपने को नुकसान कर सकता है। तो मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको बताऊँगा कि जो सीमन की रिपोर्ट है या वीर्य की जाँच है वो कैसे की जाती है। वीर्य की जांच इवन दो एक बहुत छोटी जांच मानी जाती है, पर एज ए एंड्रोलॉजिस्ट जिसके पास पूरे दुनिया से पेशेंट आते हैं स्पर्म का इलाज कराने के लिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी सीमन की रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो। और आज मैं आपको मिलवाऊँगा हमारी लेबोरेटरी की चीफ लैब टेक्नीशियन मिस भारती जी, जो इवन दो सीनियर है पर मेरे सीमन की सब रिपोर्ट्स के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को खुद पर्सनली चेक करती है और खुद पर्सनली बनाती है ताकि आपको जो रिपोर्ट मिले हमेशा ऑथेंटिक मिले। वेलकम भारती जी ऑन द शो। तो एक अच्छा सीमन टेस्ट जो होता है आज आप दर्शकों को बताना है कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सीमन टेस्ट जैसे होता है तो आप जो मेरे मरीज आते हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसे सीमन सबसे पहले हम कलेक्शन से पहले से पेशेंट को कहते हैं कि आप परहेज के बारे में पता करते हैं कि हस्बैंड वाइफ में कितना गैप है। ठीक है, तो 2 to 7 डेज मिनिमम होता है। पर हाँ जी, पर नॉर्मली 3 दिन से अगर ऊपर है तो आप टेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 3 दिन का गैप है वो जरूरी है। तो अगर आप सीमन टेस्ट कराने आ रहे हैं तो 3 दिन का परहेज आपके और आपकी वाइफ के बीच में होना चाहिए। नाइटफॉल हुआ है, मास्टरबेशन किया है, तो भी 3 दिन का गैप ज़रूरी है। तो जो सीमन टेस्ट है, जैसे सीमन देने में कई बार दिक्कत आती है, तो हमारे लैब में क्या फैसिलिटी है, मतलब मरीज़ कैसे सीमन कलेक्ट करते हैं, कैसे सीमन सैंपल देते हैं? सर सबसे पहले तो हम उसको बताते हैं कि कैसे सीमन देना है आपको। उसके लिए उसको हाइजीनिंग भी यूज़ करना पड़ता है, हैंड वॉश, और उसका प्राइवेट पार्ट भी वॉश करना है, ये भी हम पेशेंट को बताते हैं इससे पहले, कलेक्शन से पहले ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। और उसको जैसे स्मोकिंग या टबैको वगैरह यूज़ करता है वो, तो उसको ये कहते हैं, या हार्मोनल कोई टैबलेट्स वगैरह ले रहा है तो उसको हम ये कहते हैं कि भाई 2 से 3 दिन आप बंद कर दीजिए या उसको थोड़ा कम कर दीजिए, उससे भी रिपोर्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी ज़रूरी होती है। और कलेक्शन हम स्टरलाइज कंटेनर में कराते हैं उसको, और थोड़ा सा उसका स्टरलाइज कंटेनर थोड़ा सा बड़ा मुंह होना चाहिए ताकि पेशेंट उसमें आराम से दे सके। और पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो वो पेशेंट नहीं दे पाएगा उसको सैंपल को। तो वाइड माउथ कंटेनर देंगे मुझे एक बार। तो इस तरह कंटेनर होता है ताकि जो पेशेंट जो सैंपल दे तो उसका जो लिंग है वो जैसे कंटेनर के अंदर रहे मुंह, तो सैंपल सारा का सारा कंटेनर में फर्स्ट ड्रॉप से लास्ट ड्रॉप तक सारा उसका कंटेनर में आ जाए। क्योंकि कई बार जो स्पर्म है वो फर्स्ट ड्रॉप में होता है या स्पर्म जो लास्ट ड्रॉप में होता है तो पूरा इसमें चाहिए। कई बार स्पर्म गिर जाए या गलत हो जाए तो दिक्कत आती है, वॉल्यूम में फर्क आता है, बिल्कुल। और दूसरा, हमारे यहाँ पर बहुत क्लीन बाथरूम है जिसको हम रेगुलर साफ कराते हैं ताकि मरीज को कंफर्टेबल, हर पेशेंट के बाद हम उसे वॉश कराते हैं, हर पेशेंट को वॉश कराते ताकि मरीज को कंफर्टेबल रहे, इन्फेक्शन ना हो,
कई बार मरीजों को इरेक्शन करने में दिक्कत आती है, या जैसे कई मरीज हैं जिनको बिना वाइफ के डिस्चार्ज नहीं होता, तो उसमें फिर कई बार उनको टडालाफिल की गोली भी खानी पड़ती है। तो और अगर कोई पेशेंट है जो बाथरूम में नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास रूम भी प्रोवाइड कराते हैं, क्लीन रूम, ताकि वो सैंपल दे पाए, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अच्छा लगे उसको, दे सके वो, ताकि वो कंफर्टेबली कंफर्टेबली दे सके। तो जैसे ये हमारा कंटेनर है, हाँ जी सर, तो जैसे पेशेंट ने आपको सैंपल दे दिया, वैसे अभी एक पेशेंट है जो सैंपल दे रहे हैं, हम उनके सैंपल की वेट कर रहे हैं, पर जैसे सैंपल आपके हाथ में जब आता है तो क्या सबसे पहले क्या चेक करते हो, सबसे पहले क्या देखते हैं? सर सबसे पहले तो हम उसको बाहर रखवाते हैं, उसको 37 डिग्री पे रखना पड़ता है, तब हम लिक्विफिकेशन होता है, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं कि क्या उसमें है, क्योंकि वो सबसे पहले आता है तो ठीक होता है वो, बिल्कुल। तो लिक्विफिकेशन टाइम में हाफ एन आवर तो लगता है उसको देखने, मतलब 30 मिनट तो हमें वेट करना ही है, 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है, मतलब सीमन टेस्ट को जो जल्दी हो तो नहीं हो सकता, कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट के लिए विद इन हाफ एन आवर सीमन आ जाए, और विद इन हाफ एन आवर रिपोर्ट बना देते हो आप उसकी, आई थिंक आप उसको स्टोर तो करते नहीं इमीडिएटली, इमीडिएटली रिपोर्ट, ठीक है। तो कई पेशेंटों में 1 आवर भी लगता है लिक्विफैक्शन में, हाँ लिक्विफैक्शन में उसको कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ। तो एक अच्छे सीमन टेस्ट में कितना वॉल्यूम जो होना चाहिए, मतलब कितना सीमन होना चाहिए? सर 2-5 ml तक अच्छा सीमन होता है। तो आप कैसे नापते हैं? इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप से लास्ट ड्रॉप तक आप इसमें चाहिए, मुझे गिरना नहीं चाहिए। तो आप कैसे नापते हैं इसमें कंटेनर, आपने तरीका बनाया है कुछ? कंटेनर बना रखा है, इसमें हमने मार्क कर रखा है 1 ml 2 ml 3 ml, पास में दिखा दो आगे, इसमें हमने नाप के बनाया है 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml ऐसे करके। तो मतलब आप देख के बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 मतलब कम से कम 2 ml चाहिए या 1 ml है तब भी आप टेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर 2 ml तो होना चाहिए, 2 ml होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसका कलर भी नोट करते हैं? कलर हम नोट करते हैं, उसका कलर ग्रेइश वाइट होना चाहिए। अगर सपोज कलर में कैसा कलर हो जिससे मरीज को पता चले गलत है ये, रेड कलर येलो कलर अगर पेशेंट का होता है तो वो एबनॉर्मल है, मतलब रेड येलो हुआ तो मतलब रेड कलर मतलब कि हेमेटोस्पर्मिया है, हाँ जी। तो वो तो जब आप टेस्ट करोगे तो ब्लड सेल दिख जाएंगे, हाँ, ब्लड सेल और येलो कलर देखने से भी पता लग रहा है हमें कि बिल्कुल लाल है, बिल्कुल। तो ब्लड ना आए, मतलब बिल्कुल सफ़ेद कहते हैं ना, तो मोती जैसा सफ़ेद सीमन, गाढ़ा सीमन, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर आप एक टेस्ट होता है पीएच, पीएच क्या होता है? पीएच सर पीएच अल्कलाइन होता है बेसिकली, इसको चेक करने के लिए, पीएच अगर कम हो या ज़्यादा हो उसके लिए भी वो रिपोर्ट के लिए ठीक नहीं है, पम्प किल कर सकता है वो, तो पीएच हमारा सही होना चाहिए। तो पीएच मतलब होता है कि स्पर्म एसिड है या बेस है, नॉर्मल हाँ। सीमन का पीएच अल्कलाइन होता है, 7-8 के बीच में होता है, पर अगर पीएच एसिडिक है, अगर पीएच 7 से कम है, 6 है 5 है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें स्पर्म जिंदा नहीं रह सकते, और उसका मतलब ये है कि मरीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्टिव वैसोस्पर्मिया में पीएच जो है वो लो होता है, और अगर पीएच लो होता है तो फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है फ्रुक्टोज, जो आप रन करते हो, बहुत सारी लैब्स जो फ्रुक्टोज के बारे में नहीं बताती, पर ये फ्रुक्टोज टेस्ट जाँच होती है रुकावट की, आप ये फ्रुक्टोज टेस्ट भी करते हैं हमारे यहाँ, तो फ्रुक्टोज टेस्ट सीमन टेस्ट में आता है फ्रुक्टोज टेस्ट, देखे तो वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए केमिकल है स्पेशल, उसके लिए केमिकल यूज होता है, ठीक है। तो आप मरीजों को थोड़ा सा पीएच करके दिखाएंगे, तो ये पीएच की स्ट्रिप्स होती है, तो इस पे नंबरिंग होती है जिससे पता चल सकता है कि भाई एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो नॉर्मली सीमन के अंदर पीएच की स्ट्रिप्स डाल के जो है हम चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एसिड है, सॉरी ये एक बेस है, हाइपोक्लोराइड बेस है, आप देखेंगे कि जैसे ही ये जो स्ट्रिप है हमने इसमें इसको डाला, ये एकदम ये कलर मैच करते हैं, ये कलर मैच हो आ जाते हैं इसमें, तो ये तो जैसे बिल्कुल ही 10 हो गया, मतलब बिल्कुल ही बेस है, हाँ जी। आप अगर स्पर्म में इसको लगाएंगे तो ये 7-8-6 ऐसे आएगा, तो ये पीएच की रिपोर्ट भी मेंशन होती है, पीएच चेक होना जरूरी है, हाँ जी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम सीमन की वेट कर रहे हैं, तो अब हम जो है सीमन की वेट कर रहे हैं, सीमन आएगा तो हम आगे के स्टेप्स जो माइक्रोस्कोप में स्पर्म कैसे चेक करते हैं वो आपको बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। भारती जी अभी आप फ्रुक्टोज टेस्ट है जो एडवांस टेस्ट है वो करके दिखाएंगे, तो वो कैसे करेंगे सीमन सैंपल पे हम? सर केमिकल होता है फ्रुक्टोज का इस तरह का, अच्छा ठीक है, फिर इसमें हमें लेना है तो ये फ्रुक्टोज टेस्ट बताता है कि रुकावट तो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को लगता नहीं हर जगह होता है, ये टेस्ट है भी थोड़ा मुश्किल,
सब जगह तो सैंपल में कोई रिपोर्ट मिलती नहीं इसकी। बड़े हॉस्पिटल्स में हो सकता है, बड़े सेंटर में नहीं होता। फिर हम सैंपल लेंगे, ठीक है, फिर इसको हम इससे मिक्स करेंगे। फिर ये हमारा एक होता है। अच्छा तो ये रिएजेंट है, ये बंसन बर्नर। हाँ जी, जब केमिस्ट्री करते थे स्कूल में तब तो था हमारे पास। इसको मिक्स करके अच्छे से फिर इसको हीट करते हैं, फिर इसमें बॉयल लाने तक आपको ऐसे मूव करना। तो कलर चेंज बताएगा ये? हाँ जी, अगर फ्रुक्टोज है इसमें। हाँ, तो अगर कलर नहीं, अगर कलर नहीं चेंज होता तो मतलब नेगेटिव है। हाँ। और अगर कलर चेंज हो जाता है तो पॉजिटिव है। ओके, बॉयल आने के बाद हमें पता लगता है कि फ्रुक्टोज है कि नहीं है। ओके, तो बेसिकली कलर तो ये 90% लोगों को होता ही है, होता ही है फ्रुक्टोज ना। अगर सपोज स्पर्म है तो फ्रुक्टोज नॉर्मली होगा। हाँ जी, हाँ जी। पर अगर नहीं है तो मतलब फिर दिक्कत है ना, मतलब ये रुकावट हो गई। फिर हमें इसको 5-10 मिनट वेट करना पड़ता है सर। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये बताएगा 5-10 मिनट्स के बाद। हाँ जी, तो ये हमने वेट किया इसे, तो ये ऑरेंज हो गया ये। हाँ जी, तो अगर ये ऑरेंज हो गया मतलब कि फ्रुक्टोज है इस पेशेंट को ना। हाँ जी, और अगर ये ऑरेंज नहीं होता फ्रुक्टोज नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो हमारे पेशेंट को टाइम लग रहा है सैंपल देने में, अच्छी बात है, उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो सैंपल तो दे रहा है, कई बार डिफ़िकल्टी होती है जैसे आप नए एनवायरनमेंट में है तो सैंपल निकलता नहीं, पर जैसे हम और जान लेंगे अभी, जैसे जब सैंपल आ जाएगा और आपने उसको माइक्रोस्कोप में लगाना है तो उससे पहले क्या प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कैसे आप सैंपल को किस चीज़ से लेंगे और किस चीज़ में काउंटिंग करेंगे? सर ये चैम्बर होता है, इसमें हमें काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको न्यू बॉर्न चैम्बर बोलते हैं। हाँ, हाँ जी। तो इसके अंदर मार्किंग होती है। हाँ जी। और उसमें आप जैसे पूरा तो गिन नहीं सकते। नहीं, नहीं। तो पूरे सैंपल में हमें गिनना होता है, फिर उसको कैलकुलेट करके फिर हमें पेशेंट को, तो ये लगा के उसको माइक्रोस्कोप में लगाओगे। हाँ जी। और माइक्रोस्कोप के अंदर फिर आप काउंटिंग करोगे, तो सैंपल आ जाए तो उसकी हम देख लेते हैं। पर इसमें फिर आप क्या क्या देखते हो माइक्रोस्कोप में? सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि कितना स्पर्म है। सबसे पहले हम काउंट देखने के लिए इसमें करेंगे यूज, फिर हम स्लाइड बनाएंगे उसकी पेशेंट की। ठीक है, स्लाइड में फिर हम देखेंगे। तो नॉर्मल कितना काउंट नॉर्मल मानते हैं सर? 60-120 तक नॉर्मल होता है। हाँ, तो ये पुरानी वैल्यू थी 60-120 मिलियन, वैसे तो एक बहुत अच्छा नंबर है, इतना है तो गारंटी है ही है, पर आज के दिन WHO बोलता है कि 15 मिलियन हाँ, के ऊपर है ML तक भी तो भी नॉर्मल है। पर मैं फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि मरीजों की जो स्पर्म काउंट है एटलीस्ट 60 मिलियन से ऊपर रहे। तो स्पर्म तो चलो अगर किसी के नंबर पूरे है, पर उसमें मतलब हेल्दी स्पर्म है या मोटिलिटी है वो क्या चेक करते हैं? फोर कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, प्रोग्रेसिव मोटाइल होते हैं वो जो बहुत ज्यादा अच्छे से मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं मोटाइल, उनको बहुत अच्छा माना जाता है प्रोग्रेसिव मोटाइल के लिए, वो थोड़ा आगे गतिशील से आगे आगे जाते हैं फॉरवर्ड आगे भागते हैं। और जो स्लो प्रोग्रेसिव मोटाइल होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं, और जो नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल होते हैं वो एक ही जगह मूव कर रहे होते हैं, वो आगे नहीं जा सकते, वो एक ही जगह करते हैं। और डेड स्पर्म्स भी होते हैं? नॉन डेड स्पर्म होते हैं सर, उसके लिए वाइटलिटी टेस्ट करते हैं। नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं वो जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते, उसमें हमें पता नहीं चलता कि ये मरे हुए हैं या जिंदा है, तो उसके लिए वाइटलिटी टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली किसी भी सीमन सैंपल में सारे स्पर्म मोटाइल नहीं होते। WHO और हमारी क्राइटेरिया कहते हैं कि अगर 40% मतलब आधे ऑलमोस्ट अगर स्पर्म मोटाइल है तो वो हेल्दी है। उस आधे मोटाइल के अंदर भी हमें चाहिए कि एटलीस्ट 60% स्पर्म जो है वो बहुत फास्ट मोटाइल हो, 30% स्पर्म जो है वो थोड़े से मोटाइल हो, और कुछ स्पर्म्स नॉन मोटाइल भी हो तो ठीक है। पर अगर नॉन मोटाइल स्पर्म्स है मतलब स्पर्म पड़े हैं हिल नहीं रहे, तो समझ ये नहीं कि वो डेड स्पर्म है, हो सकता है कि वो नॉन मोटाइल हो वो जिंदा हो। तो डेड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए होता है वाइटलिटी टेस्टिंग, उसको मैंने थोड़ा सा विस्तार में बताया। वाइटलिटी टेस्ट होता है वो रेजेंट के जरिए होता है, जब नॉन मोटाइल ज्यादा होते हैं तब वो करा जाता है। तो उससे चलता है पता कि वो डेड है या जिंदा है? हाँ, उससे ये पता लगेगा कि भाई डेड है कि जिंदा है। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मॉर्फोलॉजी खराब है, जी मॉर्फोलॉजी खराब है, तो ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एबनॉर्मल नॉर्मल ये हमारा स्टेजिंग प्रोसीजर होता है, उसके जरिए हमें पता लगता है कितने परसेंट एबनॉर्मल है कितने परसेंट नॉर्मल है। तो मॉर्फोलॉजी में देखना होता है कि स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म की जो टेल है, कई बार टेल टूटी हुई है, या जो उसका हेड है वो गोल है या स्क्वायर है,
या कई बार स्पर्म का हेड ही नहीं होता। तो नॉर्मली 4% स्पर्म अगर मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल है तो ठीक बोलते हैं, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है और बहुत सारे एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन है कि कम से कम 25-30% स्पर्म जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। तो उसकी रिपोर्टिंग में माइक्रोस्कोप में देख के ही पॉसिबल है, तो वो आप माइक्रोस्कोप में जब स्पर्म आएगा तो आप स्टेन करके और फिर हम इसमें देखते हैं, आप दिखाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये तो एक हो गया नॉर्मल सीमन टेस्ट, एडवांस्ड स्टडीज जो होती है सीमन में, जैसे मेरे तो पेशेंट आते हैं हर तरह के आते हैं, तो एडवांस स्टडीज जो है वो क्या क्या है अवेलेबल? एक तो फ्रुक्टोज है, कुछ बताइए उसके बारे में। फ्रुक्टोज सर हमारे स्पर्म के लिए बहुत जरूरी है, उसका फूड होता है, एनर्जी देता है स्पर्म को, तो वो फ्रुक्टोज बहुत जरूरी है। अगर प्रेजेंट नहीं होगा या कम होगा तो उसमें रिपोर्ट में मतलब एबनॉर्मल है वो, तो उसकी टेस्टिंग भी यहाँ होती है, उसकी टेस्टिंग भी यहीं पे होती है। तो फ्रुक्टोज बेसिकली बनता है प्रोस्टेट में और सेमिनल वेसिकल्स में। फ्रुक्टोज स्पर्म की एनर्जी का सोर्स होता है। अगर फ्रुक्टोज एब्सेंट है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे स्पर्म के रास्ते में रुकावट है, और फ्रुक्टोज टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फिर एक होती है वैटाइटी टेस्टिंग, जो डाई से करते हैं चेक करने के लिए कि स्पर्म जिंदा है या मर गया है। फिर एक टेस्ट होता है सेंट्रीफ्यूज टेस्ट, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप। सर सबसे पहले हम नॉर्मली फ्लैट देखते हैं पेशेंट की कि वो उसमें स्पर्म है कि नहीं है, अगर नहीं होते तो फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन, जैसे हमारे पास कई सेंट्रीफ्यूज है, हाँ जी, तो कितने रोटेशन पे आप नॉर्मली करते हो सेंट्रीफ्यूज इसको? 15 मिनट तक करते हैं। 3000, हाँ, तो उससे सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि जैसे हमारा पेशेंट है, इसका एजोस्पर्मिया है, हाँ जी, नॉर्मल में स्पर्म नहीं दिख रहे, हमने बहुत सारी स्लाइड्स बना ली और स्पर्म नहीं दिख रहे, तो उन मरीजों में हम लोग स्पर्म को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि सारा स्पर्म नीचे इकट्ठा हो जाए और जो पैलेट है फिर उसको एग्जामिन। कई बार हमें पूरी स्लाइड में एक स्पर्म दिखता है, पूरी स्लाइड में एक स्पर्म दिखता है, तो वो भी हम रिपोर्ट करते हैं। तो मतलब आप, मतलब अगर सपोज एक भी स्पर्म होगा तो आप ढूंढ दोगे, हाँ, उसको ढूंढ दो। तो यही अच्छे सीमन टेस्ट की जो है, अच्छे सीमन एनालिसिस की एक जांच है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको एक भी स्पर्म है, क्योंकि एक स्पर्म होना और जीरो स्पर्म होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर 1-2-3 स्पर्म भी बन रहे हैं तो उससे भी मरीज जो है IVF करा सकता है या दवाइयों से असर मिल जाता है। कई बार 2-3 भी होते हैं, कई बार 1 भी, 1 भी मिलता है। तो आप इतनी मेहनत करते हैं हर स्पर्म सैंपल पे, और अगर आपकी रिपोर्ट पे जीरो है, मतलब एक्चुअली जीरो है, आपने पूरा उसको चेक किया है, तो ये अच्छे सीमन टेस्ट की एक, मतलब एक अच्छा प्रॉपर सीमन टेस्ट में इतने सारे क्राइटेरिया, सारे प्रोसीजर उसमें ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे से गलती नहीं हो सकती। तो इतने सारे आप जो है जैसे रिपोर्ट बनती है, तो इतने सारे पैरामीटर है, हर पैरामीटर को प्रॉपरली टेस्ट करके ही रिपोर्ट बनती है।